हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 ऑफिशियल पेपर 2023 का एक प्यारा सा वीडियो बोल सकते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, जो आपका एग्जाम हुआ था 27 जून 2023। ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे इस पर्टिकुलर डे में बोल सकते हैं। उन सारे क्वेश्चन को आज के पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज का आपका सेट नंबर 3 है। इससे पहले कि आप बोल सकते हैं कि 2 सेट मैं इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। आने वाले एसएससी के एग्जाम्स के लिए आप इंपॉर्टेंट सीरीज बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नहीं, तो इस टाइप के वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने और आपसे पूछा गया था, 44th आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में देखने को मिला था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली आपके ओरिजिनल लिस्ट में कितने आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बेसिकली अमेंडमेंट हुआ था इस पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं कि अमेंडमेंट के द्वारा। तो आपको नंबर ऑफ अमेंडमेंट बताना था, 3, 1, 2 या फिर 4। तो याद रखिए कितने हुए थे आपके, 44th अमेंडमेंट एक 1978 में बेसिकली आपके जो है 1 अमेंडमेंट देखने को मिला था डीपीएसपी में। डीपीएसपी जो बेसिकली आपका ये कॉन्सेप्ट है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली पार्ट नंबर 4 में देखने को मिलते हैं आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। और ये हमें देखने को मिला था 1976 में। बेसिकली ये टाइम आपका ड्यूरेशन जो है आपका ये इमरजेंसी का था। क्लियर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बेसिकली डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट, इसमें बेसिकली आपको याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी ऐड किया गया था। इसमें जो है 4 न्यू डीपीएसपी को बेसिकली ऐड किया गया था इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में 42nd में। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका पूछा गया था 44th अमेंडमेंट एक 1978 में, तो इसमें आपका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है कितने आपके डीपीएसपी इसमें ऐड किया गया था, तो कितने आपके ऐड किए थे, 4। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या ऐड किया गया था, सिक्योर करना अपॉर्चुनिटीज किसके लिए, जो आपका हेल्थ डेवलपमेंट जो आपके चिल्ड्रेन के लिए, जो आपका आर्टिकल 39 इसमें ऐड किया गया था। इनेबलिंग करना, इनेबल करना बोल सकते हैं कि फ्री लीगल एड जो आपका आर्टिकल 39A में देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन जो भी आपके वर्कर्स जो आपके फैक्ट्री में काम करते हैं उसके लिए सुरक्षा की बात कही गई है बोल सकते हैं कि आर्टिकल 43A में। क्लियर। और जो आपके प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट को लेकर के प्रोटेक्शन के बारे में और उसके साथ साथ जो भी आपके फॉरेस्ट हैं एंड वाइल्ड लाइफ जो आपका आर्टिकल किसमें मेंशन है, ये पॉइंट आर्टिकल 48A में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ज्योति प्रसाद अग्रवाला ये बेसिकली आपके म्यूजिक कंपोजर हैं, जिन्हें हम कॉमनली ये इनका नाम फेमस है रूप कॉन्वर के नाम से। ये किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर असम? तो आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं, ज्योति प्रसाद अग्रवाला। क्लियर। तो ये बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं, असम स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये अन्नपूर्णा योजना का इंपॉर्टेंट जो आपका एम क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर्टिकुलर योजना को और लॉन्च किया गया था, प्रोवाइड करना फूड ग्रेन्स को चिल्ड्रेन को। और उसके साथ साथ सेकेंड ऑप्शन मेंशन है कि जो भी आपके फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज होता है, अनाज को वुमेन को प्रोवाइड करना या फिर फूड को प्रोवाइड करना सभी के लिए, या फिर जो आपके फूड ग्रेन्स जो होते हैं सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड करना। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का बोल सकते हैं कि क्या आपका जो है एम था अन्नपूर्णा योजना का, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका जो है 4th होगा। इसका एम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर योजना का फूड ग्रेन को प्रोवाइड करना सीनियर सिटीजन को, ऑप्शन 4th इज करेक्ट। 10 kg बेसिकली जो है फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सीनियर सिटीजन बोल सकते हैं कि 65 ईयर्स के जो भी आपके एज के जो पर्सन होते हैं बेसिकली उनको हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर। और ये आपका जो है इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किया गया था टारगेट 52,215। क्लियर। बेसिकली 20% जो आपके नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं जो बोल सकते हैं कि वो एलिजिबल हैं आपके नेशनल ओल्ड एज पेंशन, लेकिन उनको ये बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। इसी रीजन को ध्यान में रखते हुए बेसिकली आपका ये स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट कब किया गया था स्टेट में जो है बोल सकते हैं कि आपका ये 14 फरवरी 2021। क्लियर। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गेटवे ऑफ इंडिया आप इसमें देख सकते हैं इस इमेज में, गेटवे ऑफ इंडिया बेसिकली कहाँ आपका ये सिचुएटेड है, तो ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र मुंबई में। क्लियर। गेटवे ऑफ इंडिया, आपको इंडिया गेट से कंफ्यूज नहीं होना, इंडिया गेट बेसिकली आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। तो इसके वास्तुकार कौन थे, हर्बर्ट बेकर या फिर जॉर्ज विटिट, हेनरी इरविन या फिर लॉरी बेकर? तो याद रखिए आप इनको इमेज में देख सकते हैं, जॉर्ज विटिट। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे आपके, जॉर्ज विटिट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस टेक्स्ट के बारे में आपको बताना था जो आपका मौर्य एम्पायर या आपका मौर्य वंश
में बेसिकली जो है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ने से, एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके साथ साथ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये बेसिकली आपका किस टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बृहद संहिता या फिर नीतिसार या फिर सुलभ सूत्र या फिर अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी फेमस पर्सनैलिटी है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही पर्सन का नाम है। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौटिल्य की बुक का क्या नाम है, तो अर्थशास्त्र या फिर कभी कभी जो है अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, तो विष्णुगुप्त भी ऑप्शन में देखने को मिलता है, केवल विष्णुगुप्त ही ऑप्शन मेंशन होता है। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बृहद संहिता के लेखक कौन है आपके वराहमिहिर, और उसके साथ साथ जो नीति आसार के लेखक कौन है आपके जो है कमन दके। क्लियर, तो ये आपके इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शन में थे, जिस इंपॉर्टेंट बुक को आप याद रखेंगे नेम इनका, इनके राइटर का नेम। और ये कात्यायना का जो है सुलभ सूत्र जो है बेसिकली इसमें हमें ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, और ये कौटिल्य चाणक्य का बुक आप बोल सकते हैं कि आपका ये अर्थशास्त्र ये बेसिकली जो किस पे बेस्ड है, तो पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, पॉलिटी की बुक आप बोल सकते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। क्लियर, लेकिन बेसिकली आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स के बारे में दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहमनी साम्राज्य के जो आपके फाउंडर थे अलाउद्दीन, बहमन शाह के द्वारा किया गया था इस पर्टिकुलर बहमनी राजवंश की स्थापना कब की गई थी, 1345 में, 1346 में, 1347 में या फिर 1336 में। तो याद रखिए कब किया गया था जो बहमनी किंगडम की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा 1347 में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, आप इनको इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली आपके जो है ये आपके बहमन शाह, ये बेसिकली आपके जो है एम्प्लॉय थे एमबीटी मींस व्हाट, मोहम्मद बिन तुगलक बेसिकली तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और आप बोल सकते हैं कि जो है तुगलक डायनेस्टी बेसिकली आपका एक पार्ट था दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और उसके बाद से जो है तुगलक वंश, देन आपका सैयद वंश, देन आपका लोधी वंश। तो ये आपके तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, और इनके एम्प्लॉय हुआ करते थे बोल सकते हैं कि जो है बहमन शाह। क्लियर, और यहाँ पे आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं, उन्होंने 3047 AD में जो है बहमनी किंगडम की स्थापना करी थी। उनका किंगडम बोल सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो है आपका दक्कन से लेकर के जो है पूरा आपका जो है रिवर कृष्णा तक ये आपका फैला था, और इसकी किंगडम का कैपिटल कहाँ था आपका जो है राजधानी गुलबर्ग। क्लियर, तो ये भी आप भी जो है इनको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप बोल सकते हैं कि ये इनके कैपिटल के बारे में पूछा जाता है गुलबर्ग, तो ये आप ये नाम याद रखें। क्लियर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बेसिकली ये मेंशन है लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, आर्टिकल 231AA, आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 233AA, आर्टिकल 237AA। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन है आर्टिकल 239AA, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। पार्ट नंबर 8 बेसिकली आपका यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, आर्टिकल 239, इसमें बेसिकली यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखने को मिलता है। आर्टिकल 239A में बेसिकली जो क्रिएशन बोल सकते हैं कि लोकल लेजिस्लेचर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर दोनों कुछ यूनियन टेरिटरीज में, आर्टिकल 239AA इसमें स्पेशल प्रोविजंस ये आपका रिलेटेड है दिल्ली से। क्लियर, आर्टिकल 239AB बेसिकली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज के फेल हो जाने के बाद इसमें कुछ प्रोविजंस इसमें मेंशन है। क्लियर, तो ये आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 239B बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दिया गया है प्रोमलगेट करने के लिए। क्लियर, ऑर्डिनेंसेस है कब जो है रेसिस ऑफ द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट आर्टिकल 240 बेसिकली ये प्रेसिडेंट को पावर है कि वो क्या कर सकते हैं कि रेगुलेशंस को बना सकते हैं कुछ यूनियन टेरिटरीज में। आर्टिकल 241 में क्या मेंशन है, हाई कोर्ट्स के बारे में मेंशन है जो आपका किससे रिलेटेड, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद से आपके जो है दादर नगर हवेली, इन जो भी आपके पर्टिकुलर आपके हाई कोर्ट्स जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज के आपके अलग देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपका आर्टिकल 241 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राजा एंड राधा रेड्डी बेसिकली इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इनका बोल सकते हैं कि इन दोनों ही पर्सनैलिटी का जो है ये आपके कपल हैं राजा एंड राधा रेड्डी। तो आप बोल सकते हैं कि जो है इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से, सतरिया, कथक, कथकली या फिर कुचिपुड़ी। तो याद रखिए इनका संबंध जो है आपका कुचिपुड़ी से। क्लियर, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इनको इमेज में, सतरिया बेसिकली आपका जो असम का क्लासिकल डांस है, और ये आपका कथक जो है नॉर्थ इंडिया बोल सकते हैं यूपी का इंपॉर्टेंट आपका ये क्लासिकल डांस है। बिरजू महाराज, लस्सू महाराज इसके इंपॉर्टेंट डांसर हैं। कथकली केरल
में हमें देखने को मिलता है कथकली और उसके साथ साथ जो है मोहिनीअट्टम, दोनों ही बोल सकते हैं कि केरल का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है और इसके इंपॉर्टेंट आप डांसर बोल सकते हैं राजा एंड राधा रेड्डी। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, कुचिपुड़ी बेसिकली इंपॉर्टेंट आपके जो है ये डांसर के नाम इसमें मेंशन है, सपन सुंदरी उसके साथ साथ असिंता कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी राधा रेड्डी, भावना रेड्डी उसके साथ साथ यामिनी रेड्डी और असालू जिंदल का नाम आप याद रखेंगे। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कुमुदनी लखिया बेसिकली आपके एक्सपोनेंट है किस इंपॉर्टेंट आपके इंडियन क्लासिकल डांस के, आप यहाँ पे इनको इमेज में देख सकते हैं कथक कुचिपुड़ी ओडिसी या फिर सतरिया। तो ओडिसी इंपॉर्टेंट आपका क्लासिकल डांस ओडिसा में देखने को मिलता है, केलुचरण महापात्रा इसके एक्सपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट आपके डांसर है और ये कुमुदनी लखिया बेसिकली ये किसे बिलोंग करते हैं तो कथक से इनका संबंध है, कथक डांसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नॉर्थ इंडिया कथक आपका ये रिलेटेड है इंपॉर्टेंट आपके क्लासिकल डांस, लस्सू महाराज उसके साथ साथ असन महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, उसके बाद से शंभू महाराज, सितारा देवी, आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है सितारा देवी का नाम, ये आप इनको देख सकते हैं इमेज में बिरजू महाराज जी को, उसके साथ साथ जो है चंद्र लेखा, उसके बाद से जो है नेक्स्ट आपका जो शर्मिला शर्मा, पंडित रामलाल और उसके साथ साथ ये शोभना नारायण, तो इनका नाम आप देख सकते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किसी भी पर्सन का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस फेमस पर्सनैलिटी का नाम आपको चूज करना है जिन्होंने बेसिकली वापस कर दी थी जो है मेडल ऑफ कैसरे हिंद इन 1920s में। क्लियर। एस सुब्रमण्यम अय्यर या फिर सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, तो याद रखिए ये बेसिकली आपका 13 अप्रैल, ये आपका 13 अप्रैल आपका ये 1919 में बेसिकली आपका ये जालियांवाला आपका हत्याकांड हुआ था और इसी को बोल सकते हैं कि जो ये इससे दुखी होकर कि इन्होंने जो है महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है नाइट हुड की बोल सकते हैं कि जो इनको उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको भी इन्होंने वापस किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्लियर। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। बारदोली आपका सेरा जो है इसका अनदर नेम क्या है, मैंगो सावर या फिर नॉर्वेस्टर या फिर ब्लॉसम सावर या फिर लू, तो ये बेसिकली आपका जो है किसका डिफरेंट नेम बोल सकते हैं तो नॉर्वेस्टर्स, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इंपॉर्टेंट इमेज याद पॉइंट याद रखेंगे मैंगो सावर्स, ये बेसिकली आपका वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा कर्नाटक और उसके साथ साथ केरल में, और ये सेरी ब्लॉसम ये आपके कॉफी सावर के भी नाम से जानते हैं, ये केरल और कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है और ये आपका बारदोली सेरा जो है ये लोकल स्टॉम है असम स्टेट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मून वॉक एक इंपॉर्टेंट मेमोआ है, ये किसके द्वारा जो है फेमस उस म्यूजिक पर्सनैलिटी का नाम आपको जो है वो बताना है, तो ये बताइए किनके द्वारा लिखा गया था, माइकल जैक्सन, आप यहाँ में इमेज में इनको देख भी सकते हैं मून वॉक माइकल जैक्सन इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बायो का क्वेश्चन था, काफी मैं डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, प्लांट्स बोल सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो आपके ग्रो करते हैं छाया में सैडी बोल सकते छम छायादार जगहों पे, तो उनको हम किसके नाम से जानते हैं मोनोकॉट्स हेलोफाइट्स या फिर सेमोफाइट्स या फिर सियोफाइट्स, तो याद रखिए ऐसे प्लांट्स जो आपके ग्रो करते हैं नम या फिर छायादार जगहों पे उसे बोलते हैं सियोफाइट्स। मोनोकॉट्स कौन होते हैं आप यहाँ पे देखिए, ये मोनोकॉट्स जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी सीड को ग्रो किया, सीड को ग्रो होने के बाद से आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे कि अगर कोई आपका ये पैडी या फिर धान है आप अगर इसको ग्रो करते हो तो आपको एक ही बोल सकते हो कि लीफ्स देखने को मिलता है, पहला लीफ बेसिकली इसको हम कॉटिलीडन्स बोलते हैं कॉटिलीडन्स। क्लियर। तो ये बेसिकली आपका हिंदी में से बीज पत्र बोलते हैं, तो अगर एक निकलता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोकॉट्स, ये प्लांट कैसा है मोनोकॉट्स है, तो ये बेसिकली आपका सिंगल कॉटिलीडन होता है और ये आपका डाइकॉट में ये आपका एक की जगह दो निकलेगा, जैसे कि आपका जो बोल सकते हैं कि आपका ये वीट है वीट या फिर ग्राम चना बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब ये प्लांट आपका ग्रो करता है ग्रो होने के बाद इसमें दो कॉटिलीडन्स हमें उगता हुआ नजर आता है, तो ये आपके डाई कॉटिलीडन्स की कैटेगरी में से रखा जाता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सीड मोनोकॉटिलीडन्स आपके और ये डाई कॉटिलीडन्स होते हैं, मोनोकॉट्स के आपके सीड कैसे होंगे मोनोकॉटिलीडन्स और डाई कॉट के सीड कैसे होंगे आपके जो है ये बाई कॉटिलीडन्स। क्लियर। मोनो एंड बाई कॉटिलीडन्स, तो ऐसे आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट आपका जो है लिप्स कैसा होता है, तो पैरेलल वेनेशंस देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में, और ये ब्रांच्ड वेंस देखने को मिलता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि इसमें आपको ये देखने को मिलेगा डाइकॉट में। फ्लावर्स जो होते हैं फ्लोरल पार्ट्स, इसमें हमेशा जो होता है आपका ये मल्टीपल्स में देखने को मिलता है, 3 के मल्टीपल्स में होता है, लेकिन जो आपका फ्लोरल पार्ट्स जो होता है इसमें 4 या फिर 5 के मल्टीपल्स में देखने को मिलता है डाइकॉट में। स्टेम जो होता है वैस्कुलर बंडल की जब मैं बारे में बात करूं तो जाइलम फ्लोएम से बेसिकली आपका रिलेटेड होता है। स्केटर्ड होता है आपका स्टेम में, मोनोकॉट में, कॉट में आप ऐसा बोल सकते हैं। वैस्कुलर बंडल जो होता है आपका अरेंज होता है एक रिंग में डाइकॉट में, और ये आपका रूट्स जो होता है फाइबरस रूट देखने को मिलता है, और टैप रूट हमें देखने को मिलता है डाइकॉट प्लांट में। और ये आपके हेलोफाइट्स कौन होते हैं, ऐसे प्लांट जिनको बोल सकते हैं कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर, ऐसे प्लांट्स को आप हेलोफाइट्स बोल सकते हो। सेमोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके डिजर्ट में ग्रो करते हैं, आपके रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, जैसे कि नागफनी का पौधा आपको ये रेगिस्तानी हैबिटेट में देखने को मिलेगा, तो ये बेसिकली आपकी एग्जांपल्स हो जाएगा सेमोफाइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना था, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जो आपका दिसंबर में खेला गया था जयपुर में, तो बताइए ये इसके विनर कौन थे, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो ये बेसिकली आपका विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विनर आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। विजय हजारे ट्रॉफी बेसिकली आपका क्रिकेट से एसोसिएटेड है, और इसे बेसिकली हम रणजी वनडे ट्रॉफी के भी नाम से जानते हैं, और इसका जो पहला एडिशन जो है ये कब स्टार्ट किया गया था, ये आपका पर्टिकुलर विजय हजारे ट्रॉफी 2002 और 3 में इसका ये फर्स्ट सेशन होता हुआ था, आप ऐसे बोल सकते हैं। टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2021 किस पर्टिकुलर ईयर का आपका इनकम टैक्स एक्ट को ये अमेंड करता है, 1961, 1974, 1995 या फिर 1988, तो याद रखिए ये बेसिकली आपका इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 का जो आपका ये एक्ट था इसको ये अमेंड करता है, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेल लिटरेसी रेट आपको बताना था इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है आपका जो है, 65.21%, 70.2%, 95.6% या फिर 82.14%, तो याद रखिए 82.14% आपका जो है देखने को मिला था बेसिकली मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना था हिंदू कैलेंडर बेसिकली उस पर्टिकुलर मंथ का नाम बताना था अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर फेस्टिवल आपका जो होली सेलिब्रेट किया जाता है किस पर्टिकुलर मंथ में, चैत्र पूर्णिमा, चैत्र सप्तमी, फागुन पूर्णिमा या फिर फागुन अमावस्या, तो याद रखिए आपका ये पर्टिकुलर आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है होली का त्यौहार फागुन मंथ के पूर्णिमा को, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मैच करना था ये फाइलम के नेम यहाँ पे मेंशन है प्रोटोजोआ नेमेटोडा आर्थ्रोपोडा इकाइनोडर्मेटा, यहाँ उसके उस फाइलम से बिलोंग करने वाले एनिमल का नाम यहाँ पे मेंशन है राउंडवर्म, अमीबा, स्टारफिश या फिर कॉकरोच, तो याद रखिए बेसिकली आपका अमीबा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, अमीबा, पैरामीशियम, उसके साथ साथ यूग्लिना, ये बोल सकते हैं कि आपका जो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। नेमेटोडा बेसिकली आपका राउंडवर्म जो है नेमेटोडा से बिलोंग करता है, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा से बेसिकली आपका जितने भी इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि आपका कॉकरोच, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोडा आपका जो सबसे बड़ा फाइलम होता है, सेकेंड नंबर पे आपका जो है वो मोलस्का होता है, और थर्ड नंबर पे आपका फाइलम प्रोटोजोआ होता है। इकाइनोडर्मेटा बेसिकली आपका जो है स्टारफिश जो इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है, तो बोल सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट का भी, सेकेंड का ए, और ये थर्ड का डी, और उसके साथ साथ फोर्थ का सी, ऑप्शन आपका जो है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिसंबर 2022 में बेसिकली आपको बताना था कि विकम कौन बनी थी आपकी जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किसके जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, साइना नेहवाल या फिर कुंज रानी देवी या फिर मैरी कॉम या फिर पीटी उषा, तो आप इनको इमेज में देख सकते हैं कौन बनी थी आपके जो पीटी उषा, ऑप्शन फर्स्ट फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडिया में बेसिकली आपको बताना है कि जो आपका मान लीजिए कि अगर आपका ये कोरम आपका कंप्लीट नहीं है, कोई आपका मीटिंग चल रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके साथ साथ काउंसिल का, तो बेसिकली ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बोल सकते हैं कि जो आपका हाउस या फिर उसको जो स्थगित कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मीटिंग को, तो चेयरमैन या फिर गवर्नर या फिर स्पीकर या फिर चेयरमैन या फिर गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर या फिर स्पीकर या फिर चीफ मिनिस्टर, तो याद रखिए बेसिकली आपका ये कोरम जो होता है 1/10 मेंबर होना चाहिए पर्टिकुलर, जितने भी आपके उस पर्टिकुलर हाउस में जितने आपके मेंबर होते हैं उसका 1/10 आपका रिक्वायरमेंट होता है कोरम के लिए, तो ये कौन अगर कोरम ना होने पे बोल सकते हैं कि स्थगित किया जा सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है मीटिंग को, किसके द्वारा जो है स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा, ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंडियन टीम के द्वारा जो ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप जो किस पर्टिकुलर ईयर में इसको जीता गया था, 2015 में या फिर
2007 में या फिर 2011 में या फिर 2019 में, तो आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 आपका ये हुआ था, जिसके बोल सकते हैं कि इंडिया टीम के द्वारा ये जीता गया था। ये मैच बेसिकली इंडिया और उसके साथ साथ श्रीलंका के बीच खेला गया था। क्लियर, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल आपका पोर्ट बताना है इस पर्टिकुलर ऑप्शन में से, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट या फिर कोलकाता पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट बेसिकली आपका एक नेचुरल पोर्ट का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था केमिस्ट्री से, आपको बताना था मास का रेशियो हाइड्रोजन और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का वाटर में हो। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा टू हाइड्रोजन और ये आपका ऑक्सीजन का जो आपका मास होता है कितना होता है आपका 16। तो आपका ये रेशियो बेसिकली आपका 1:8 देखने को मिलता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो ये बेसिकली आपका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है बेसिकली किस पर्टिकुलर स्पोर्ट पर्सन को दिया गया था, आपका ये 2022 वाला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर, तो आप यहाँ पे इनको इमेज में देख सकते हैं, ये किनका इमेज है, श्री आपके शरत कमल असंता, ये आपके टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया था इस पर्टिकुलर सेट में, आपको बेसिकली इन करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो इंडिया में बेसिकली जो भी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसमें से आपको इन करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। ये फॉरेस्ट आपके वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट था इस टाइप के जो फॉरेस्ट में बोल सकते हैं कि जो ट्रीज जो होते हैं ग्रेट हाइट्स पे देखने को मिलेंगे, अप टू बोल सकते हैं कि 60 मीटर या फिर इससे ऊपर की ऊंचाइयों पे, या फिर ये बेसिकली आपके वार्म और उसके साथ साथ ह्यूमिड एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। और इस फॉरेस्ट में जो बेसिकली आपका ये देखने को मिलता है एनुअल प्रेसिपिटेशन आपका बोल सकते हैं कि 150 सेंटीमीटर से नीचे। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है बेसिकली आपका इनकरेक्ट है, जो बेसिकली आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपके करेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ आपका इनकरेक्ट है। ये आपका जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से आपका ये रिलेटेड नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली आपका ये जो है कितना होना चाहिए, ये आपका वेस्ट एरियाज हैविंग बोल सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर आपका ये रेनफॉल देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर रेन फॉरेस्ट में, और उसके साथ साथ जो है 60 मीटर हाइट होना चाहिए। और उसके बाद से इम्पोर्टेंट आपके जो है ट्रीज देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, इबोनी उसके साथ साथ महोगनी, उसके बाद से बोल सकते हैं रोजवुड, रबर और उसके साथ साथ ये सिनकोना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्लांट होता है, जिसकी छाल से या फिर बार्क से बोल सकते हैं कि मलेरिया की दवा को ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर, और ये आपके जो बोल सकते हैं कि कॉमन एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, लाइक एलिफेंट, मंकी, लेम्यूर और उसके साथ साथ जो है आपका डियर, और उसके साथ साथ बोल सकते हैं एक सींग वाले आपके गेंडे भी देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर आपके फॉरेस्ट में, जैसे कि आपका असम और उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल स्टेट में। और इसके साथ साथ कुछ आपके इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस भी देखने को मिलेंगे, स्नेल्स भी देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर जंगल में। क्लियर, तो इसी के साथ बोल सकते हैं कि आपका ये SSC सिलेक्शन पोस्ट 11 का बेसिकली आपका ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था 27 जून 2023 के दिन, जो भी क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे 25 क्वेश्चंस को आप इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस किया। आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी वीडियो का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।